नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो उपस्थित हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा संकट पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अब बड़ा अलर्ट भी जारी हुआ है। क्या खबर रहने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में दो दिन बाद बारिश का अलर्ट, तापमान में आया भारी उछाल, केलांग का पारा नॉर्मल से 9.3 डिग्री ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश में दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो रहा है। इससे 25 और 26 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने बुधवार को 8 जिलों और गुरुवार को 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार आज और कल दो दिन धूप खिलेगी। प्रदेश में बीते तीन दिन से भी अच्छी धूप खिल रही है, इससे तापमान में भारी उछाल आया है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक हुआ। केलांग के तापमान में सबसे ज्यादा 9.3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है। केलांग का तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ऊना का तापमान भी नॉर्मल की तुलना में 3.1 डिग्री के उछाल के बाद 36.2 डिग्री। बिलासपुर का तापमान 3.6 डिग्री ज्यादा के साथ 35.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। वहीं प्रदेश में बीते एक सप्ताह से कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में 15 से 22 सितंबर तक नॉर्मल बारिश 21.8 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार 48% कम यानी 11.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस अवधि में कांगड़ा में सामान्य से 91% कम, कुल्लू लाहौल स्पीति में 66% कम बादल बरसे हैं। तो ये रही बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में बुधवार और वीरवार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।